अरे बंटी भैया क्या हाल। अरे बस क्या बताऊँ, फटरी यार एग्जाम है अपनी तो। बट ऐसे टाइम पे क्या होते हैं ना, ऐसे बाकी बाकी दूसरे ख्याल बहुत आते रहते हैं। बता रहा हूँ मतलब ऐसे दूसरे दूसरी से चीज़ों के ऊपर बहुत दिमाग जाता है। अभी जैसे मैं कल देख रहा था, ये नए गाने ऐसे गाते रहते हैं, ऐसे अतरंगी गाने। तो एक गाना है क्लोजर, एक तो बैंड का नाम क्या है चेन स्मोकर, मतलब ऐसा वो सड़क पे अपने वो नहीं है राजेश भैया सड़क पे बैठे रहते और वो फूकते रहते सिगरेट पूरे दिन भर, या वो चेन स्मोकर मतलब सब हर फूकते रहो, मतलब कैंसर खुद को लाना है तो बैंड नेम में काहे को डाल रहे हो चेन स्मोकर। गवर्नमेंट नहीं बोलती, गवर्नमेंट बोलती इतना सारा कि है सिगरेट पीने हानिकारक होता है, नहीं चेन स्मोकर। ठीक है भैया अपना अपना फन होता है, ठीक है चलो। तो उनका गाना क्या नाम क्या है, क्लोजर है, क्लोजर पास आओ, ठीक है भैया पास आओ है। गाने के लिरिक्स रद्दड़, एकदम निहायती रद्दड़, मतलब बंटी भैया है खान नाले में जितना कचरा नहीं है ना उससे ज्यादा कचरा तो इसके लिरिक्स में, नहीं मतलब सच बता रहा हूँ। बेबी पुल मी क्लोजर इन द बैक सीट ऑफ योर रोवर दैट आई नो यू कांट अफोर्ड। अब बंदा जब गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्यों खरीदेगा, नहीं मतलब लॉजिक होता है कि नहीं है। अपन देखो बनिया मारवाड़ी के बीच में पैदा हुए हैं, पले बड़े भी वहीं पे हैं, वो भी नहीं हुआ तो अपन तो भारतीय यार है, भारतीय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानता तो कौन जानता है, आप खुद बताओ। जब आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो खरीदी खाए को, वो भी लैंड रोवर मारुति से क्या प्रॉब्लम थी है। मारुति 800 देखो अपनी चाचा ने कब खरीदी थी, 61 में खरीदी थी, 61 में लॉन्च नहीं हुई थी, 80 में खरीदी थी, अब तक चल रही है, मतलब सोच लो मतलब कितने 30 साल हो गए गाड़ी नहीं बंद पड़ी, ये रोवर खरीद लेंगे पैसे है नहीं मतलब 12 की गैर इसकी और क्या बाइट दैट टैटू ऑन योर शोल्डर। अभी टैटू को काई को बाइट करना है, मतलब ठीक है यार आदमी प्यार व्यार में भेज जाता है पर टैटू ने क्या बिगाड़ा तेरा, हाँ टैटू काट लेगा तू ठीक है। और उससे खतरनाक मतलब पुल द शीट्स राइट ऑफ द कॉर्नर फ्रॉम द मैट्रेस दैट यू स्टोल फ्रॉम योर रूममेट बैक इन बोल्डर एंड वी आर नेवर गेटिंग ओवर। एक तो मेरे को है ना समझ में आ गया कि बंदे को ना राइमिंग नहीं आती कभी नहीं है, बंदे ने क्या किया है बस एंड के लाइन के चार शब्द चुन लिए और बीच में लिरिक्स भर लिए, मतलब अनु मलिक तो फिर भी बीच में आवाज डाल के राइमिंग करता है, ये तो बंदे ने मतलब है ना लैंग्वेज की मावेद कर दी। आपका रूममेट कैसा भी हो, निहायती पागल आदमी हो, निहायती कचरा वाला आदमी हो, मतलब एकदम खराब, एकदम थर्ड क्लास, एकदम थर्ड क्लास, आप उसका मैट्रेस चुराओगे क्या, नहीं मतलब अपनी संस्कृति क्या कहती है कि दूसरे का कभी बुरा नहीं करने का, और अभी उसके रूममेट के पास मैट्रेस नहीं है तो सोएगा कहाँ पे, जमीन पे है। उसने आपका कितना भी कुछ भी बिगाड़ा हो अब छोड़ दो, उससे बात मत करो, उससे उसका मैट्रेस चुराने की क्या जरूरत थी, अब वो किधर सोएगा, अभी सब उसको उसके घर पे कोई आ गया है अभी गेस्ट को क्या खिलाएगा वो, तो एक तो उसकी आपने मतलब नींद हराम कर दी है, सो नहीं पाएगा बेचारा बच्चा है। अब उसके सामने कोई आ गया कुछ हो गया तो उसकी इज्जत भी खत्म कर दी आपने, मतलब उसको मार ही डालो ना, जिंदा काय को छोड़ा है, फिर उसकी स्किन भी ले आओ, गाने में स्किन से भी राइमिंग कोई डाल देगा किन विन डिन है। बंटी भैया बता रहा हूँ यार पुराने जमाने के गाने बहुत सही थे यार, लता दीदी वगैरह है रफी साहब क्या गाते थे यार, महबूब है मतलब मैं बता रहा हूँ बंटी भैया म्यूजिक का ना म्यूजिक चला गया अभी अभी आजकल के म्यूजिक का दम नहीं बचा, तो बंटी यार ऐसे मजा नहीं आता ना ऐसे गाने सुनने, तो ठीक है अपन है ना थोड़ा ये रफ़ी लगाते हैं मोहम्मद रफ़ी सुनेंगे थोड़ा मजा आएगा, ठीक है बंटी चलो मिलते हैं।